chapter number 2 industrial revolution children let us look uh, towards the factors of to leading to industrial revolution in england see children we have i'm i have written only 5 points today

They actually they never wasted their land and they kept on doing the rotation of the crops, a crops, ho gaya, kaat liya, hata hatadia, and again they thought for the new crop to be grown. And so it was like this. So they never wasted their time, they never wasted their land. And so they like this, they keep on inventing new new fruits, new new things they have invented.

सरप्लस हो चुका था मीन्स मींस दे नेवर हैव द मीन्स द एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्शन थी वो काफ़ी ज़्यादा थी एंड इट इज अंडरस्टो वेन द एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन ज्यादा तो वी अंडरस्टैंड कंज्यूमर्स आर ऑल्सो मोर सी चिल्ड्रन इफ यू सी द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज मरकेंटलिज्म जो ये मरकेंटलिज्म है चिल्ड्रन इट इज ऑल मीन्स रिलेटेड टू द ऑल रिलेटेड टू द ट्रेडिंग वॉज डन बाय फॉर द प्रॉफिट जो भी मर्कैंटलिज़म था वो उसे प्रॉफिट के लिए किया जाता था ट्रेडिंग जो था डेफिनेटली बात है इट वॉज फॉर ऑल द कंट्री इट वॉज डन ऑल फॉर द प्रॉफिट जाएगा तो पैसा आएगा इकोनॉमी बढ़ेगी मीन्स ऑल द ट्रेड वॉज डन ओनली फॉर द प्रॉफिट एंड दिस मर्केंटलिज्म वॉज स्प्रेड ऑल ओवर वर्ल्ड इट वॉज नॉट लाइक सिर्फ इंग्लैंड के साथ था ये बची हुई कंट्रीज के साथ भी था बट मर्केंटलिज्म वॉज डन ओनली फॉर द प्रॉफिट चिल्ड्रेन सी दर्ड पॉइंट दैट इज लॉन्ग कोस्ट लाइन वी ऑल नो दैट इंग्लैंड इज एन आईलैंड एंड दैट कोस्ट लाइन जो इंग्लैंड की है वो बहुत ज्यादा है बड़ी है बिकॉज डेफिनेटली इट इज एन आईलैंड सो इट इज ऑल सराउंडेड बाय द वाटर अब वाटर के सराउंडेड होने से उनको ये बेनिफिट मिल गया था कि ट्रांसपोर्टेशन उन लोगों के आना जाना बहुत आसान हो चुका था और जब वे अंदर ट्रांसपोर्टेशन वॉज ईजी फॉर देम अब उनके पास जब कोस्ट लाइन इतनी थी इट इज़ एन आईलैंड इट इज ऑल सराउंडेड बाय द वाटर सो उनके लिए रिवर्स आसानी से मिलती उनके पास रिवर्स बहुत थी एंड फॉर दिस दे हैव रिवर्स सो इट वॉज वेरी इजी फॉर देम टू ट्रांसपोर्ट विद इन द द सिटीज़ थिंग्स इज वन प्लेस टू अनदर प्लेस नाउ वी सी द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज सेमी स्किल्ड वर्कर्स रेडिली अवेलेबल सी चिल्ड्रन ये जो वर्कर्स थे दीज दी जो ये जो वर्कर्स थे ये फार्मर्स थे नाउ डू वॉट हैपन ड्यूरिंग द स्नो सीजन जब ये बर्फ गिरती थी वहां पर इंग्लैंड में तो ये जो फार्मर्स थे ये अपने अपने घर रहते थे At that time they cannot, uh, grow any crops, isn't it? So what they did was they started working from their own homes. अब घर में क्या बनाते थे घर में ये लोग small small handicraft क्राफ्ट काम करते थे स्विंग वट एवर स्मॉल थिंग्स जो हैंडीक्राफ्ट के वर्क आया करते थे उसके अंदर दे यूज टू डू दो स्मॉल थिंग्स एट होम एक्चुअली In uh, they these workers were so much uh, creative that they never, they never wasted their time, and they kept on doing something or the other at their homes during this snow season. The last point is the last point for today is abundance of coal and iron. See, children, uh, if we talk about coal and iron, this England during this, uh, we cannot say till today, but yes, during the time of 18th century coal and iron was at a very uh, they were england was very really very good or you can say it was very lucky in the terms of coal and iron because uh, during the 18th century they were the leading point here of the distribution distributing of coal and iron to the rest parts of the world you can say actually coal or iron important is that i will be explaining you in the rest part of the world the rest part of the chapter also children जो ये कोल एंड आयरन था ये इनके पास अबंडेंस में था और इसी से इन्होंने काफ़ी चीज़ें इन्वेंट करी थी कोल इनके पास एज अ प्रोडक्ट था और जो आयरन था एज अ रॉ मटेरियल था